दुनिया भर में कृष्ण भक्ति से जुड़ने वाली संस्था है इस्कॉन। आपने सुना होगा ना, इस्कॉन के टेंपल में जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के मायापुर में दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर का निर्माण इस्कॉन करवा रहा है। करीब 28 लाख वर्ग मीटर में फैला यह मंदिर परिसर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। इसकी तस्वीरें आप देखिए, इसके एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन इतना बड़ा मंदिर, वैदिक मंदिर दुनिया में नहीं है। और इसकी तस्वीरें आप देखते जाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब तक सबसे बड़े मंदिर के रूप में कंबोडिया के अंकोर वाट को जाना जाता है, जो करीब 16 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यह मंदिर जिसको आपको दिखा रहा हूं, यह बंगाल में अगले साल 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। इसका निर्माण साल 2009 में, यानी यह अंकोर वाट का दिखा रहा हूं, जो अभी तक सबसे बड़ा था, अब उससे भी बड़ा वैदिक मंदिर जो है वो भारत में बंगाल में बन रहा है। और इस मंदिर की आप भव्यता सोचिए कि 2009 से, पिछले 14 साल से इसका निर्माण चल रहा है। वैदिक मंदिर की विशालता का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी नींव करीब 100 फीट गहरी है, यानी जमीन में 10 मंजिला इमारत के बराबर नीचे इसकी नींव गई हुई है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद एक साथ 10,000 लोग भगवान कृष्ण के दर्शन कर सके, जबकि मंदिर परिसर में करीब 1 लाख लोग आराम से घूम सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। इस मंदिर की लागत करीब 1,000 करोड़ रुपए आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि मंदिर भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ब्रह्मांड के वैदिक मॉडल का सबसे बड़ा केंद्र होगा। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस मंदिर की भव्यता और विशालता के बारे में आपको बता देता हूं। इसके लिए इस मंदिर की तुलना दुनिया के दूसरे पवित्र स्थान और ऐतिहासिक इमारतों से एक बार करके आपको बताता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा यह मंदिर है। धर्म से जुड़ी विशाल इमारतों की लिस्ट में एक नाम आता है हागिया सोफिया मस्जिद का, जिसे आया सोफिया मस्जिद भी कहते हैं। यह मस्जिद तुर्की के इस्तांबुल शहर में है और इसकी कुल ऊंचाई 55 मीटर और चौड़ाई 5,997 वर्ग मीटर है। दूसरी इमारत है अपने देश में आगरा में जो ताजमहल है, इसकी ऊंचाई 73 मीटर है, चौड़ाई 32,892 वर्ग मीटर। तीसरे नंबर पर लंदन की सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च है, इसकी ऊंचाई 111 मीटर है और चौड़ाई 11,838 वर्ग मीटर। और अब आपको